धुळे शहरातील इकरा हायस्कूल येथे सुरू असलेल्या दवाखाना तात्काळ बंद करावा या मागणीसाठी स्थानिक रहिवाशांनी आज जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेत या संदर्भातलं निवेदन दिलं। तसेच सदर दवाखाना बंद केला नाही तर आम्ही तीव्र आंदोलन छेडू असाही इशारा देण्यात आलाय। शहरातील मनोहर सोसायटी येथील इकरा हायस्कूल येथे डिलिव्हरी विभाग सुरू करण्यात आला होता, मात्र सध्या कोरोनाची वाढती संख्या पाहता स्थानिक प्रशासनाने सदर इकरा हायस्कूलातील सुरू असलेला डिलिव्हरी विभाग बंद करून त्या ठिकाणी कोविड सेंटर सुरू करण्यात आले आहे। मात्र कोविड सेंटर येथे दाखल असलेले काही रुग्ण दगावलेत, त्यामुळे परिसरातील रहिवाशांमध्ये भीती पसरून काहींची शारीरिक प्रकृती बिघडत आहे। त्यामुळे ही भयावह परिस्थिती लक्षात घेत सदर हायस्कूलमधील कोविड सेंटर बंद करावे, अन्यथा येथून दुसरीकडे स्थलांतर करावे, असे झाले नाही तर आम्ही येत्या काही दिवसात आंदोलन छेडू असा इशारा परिसरातील रहिवाशांनी प्रशासनास निवेदनानंतर दिला आहे। बोल रहा हूँ, मन्यार सोसाइटी से रहने वालों में। तो ये हमारे मन्यार सोसाइटी में पहले स्कूल था इकरा स्कूल, अब वो स्कूल बंद करके वहाँ पे दवा खाना चालू। दवा खाना भी जो है पहले साधारण दवा खाना था, डिलीवरी बोल के चालू करे था, अब वो डिलीवरी बंद करके इन्होंने कोविड चालू कर दिया दवा। उसमें ये रोज के 3-4 पेशेंट भी एक्सपायर हो रहे और जो मर रहे उनके रिश्तेदार वहाँ पे दिमाग मारी करते, उसकी वजह से हमने वहाँ माहौल खराब होने का ये। तो हमारे को ये जो चीज है ये सब बंद करना होगा। दाट बस्ती के और ये पूरी दाट बस्ती में ये, इसकी वजह से कहते हैं इसके आगे चल के हालत बहुत खराब हो रही है। ये सबको कोरोना हो जाएगा भाई साहब। तो ये हमने कलेक्टर साहब को निवेदन दिए, नगर पालिका में भी दिए और पुलिस स्टेशन में भी निवेदन दिए, इसके पहले भी एक महीना पहले दिए लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ इसको। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि ये दवा खाना बंद हो, बस ये बाहर जाए, कहीं बाहर लेके जाओ, बाहर लेके जाओ, बाहर। और अगर नहीं लेके जाएंगे तो नहीं लेके जाओ।